Where are we getting to? Okay, तो इसके ऊपर आप लोग का क्या विचार है? मतलब आप लोगों ने प्रश्न है, सिर्फ टॉपिक नहीं है, आप लोगों को भी पूछना है कि मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किसी ने सोचा है आप लोग में से? कभी भी, अभी नहीं, टॉपिक मिलने से पहले कभी भी जीवन में आप लोगों ने सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जीवन में क्या कर रहे हैं, आपने सोचा? अच्छा ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे ना, श्लोका रिसाइट करते हैं, श्लोका रिसाइट करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन परपर्ट मंगलाचरण, फिर उसके बाद सबका फीडबैक जानेंगे कि किसने किसने क्या क्या सोच रखा है, क्या क्या आइडियाज हैं आप लोगों के पास में। तो आज का जो श्लोका है वो है फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 21। मैं रिसाइट करूंगा इसको। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। वर्ड वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन एंड परफेक्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति दान स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। त्रिविधम ऑफ थ्री काइंड्स, नरकस्य ऑफ हेल, इदम दिस, द्वारम गेट, नाशनम डिस्ट्रक्टिव, आत्मनः ऑफ द सेल्फ, कामः लस्ट, क्रोधः एंगर, तथा एज वेल एज लोभः ग्रीड, तस्मात् देयरफॉर एतत् दीज त्रयम् त्रि त्यजेत, वन मस्ट गिव अप। बहुत ट्रांसलेशन और प्रॉपर्ट दोनों, ट्रांसलेशन तो सही है, प्रॉपर्ट थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, प्रभुपाद जितने प्रॉपर्ट्स देते हैं जिस लेंथ के। ट्रांसलेशन, देयर आर थ्री गेट्स लीडिंग टू दिस हेल, लस्ट एंगर एंड ग्रीड, एवरी सेन मैन शुड गिव अप, गिव दीज अप, फॉर दे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोल। प्रॉपर्ट, द बिगिनिंग ऑफ डिमोनियक लाइफ इज डिस्क्राइब्ड हियर इन। One tries to satisfy his lust, and when he cannot, anger and greed arise. A sane man who does not want to glide down to the species of demoniac life must try to give up these three enemies, which can kill the self to such an extent that there will be no possibility of liberation from this material entanglement. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वफलान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वहरिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, तत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पंचतत्वात्मक कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी परमाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशराय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण, तो आज का टॉपिक वेयर आर वी लीडिंग टू। तो आप में से भी जिसने कभी भी अपने आप पे प्रश्न किया हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और यहाँ पे डिवोटीज हैं जो शेयर करना चाहेंगे इसको। प्रश्न किया, क्यों किया, किस सिचुएशन में, अगर आपने कभी ऐसा कोई एक सिचुएशन आया होगा ना कि आपने कभी प्रश्न किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। जैसे ना टीचर्स का इंटरव्यू था, स्किप हो गया था बिकॉज़ पापा के बिजनेस कारण, तो आप नहीं मतलब क्या कर रहे हो। अच्छा, तो फिर जो बोल रहे हैं कि उनको
करना था लाइफ में, बट ड्यू टू बोलते ना सपोर्ट रिक्वायर्ड था फैमिली में भी, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसी केस में उनको अपने बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो उनको ये क्वेश्चन आया कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे डिवोटीज बोल रहे हैं कि हम लोग लाइक वी आर लीडिंग टुवर्ड्स डेथ विच विल डिसाइड आवर नेक्स्ट बॉडी। ओके नो बट ये कंटेक्स्ट थोड़ा अलग है यार, आस्किंग लाइक कोई ऐसा सिचुएशन व्हेन यू हैव थॉट प्रैक्टिकली, दिस इज फिलोसफी, मतलब आपके लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तो फिलोसफी है, फिलोसफी को बिकॉज डिवोटीज फिलोसफी को अपने लाइफ में उतारते हैं, सो फॉर देम लाइक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ ओनली, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट हियर टू इज कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि कभी जैसे कोई जॉब कर रहा हो उसको कुछ रियलाइजेशन आया हो, कोई बहुत पढ़ाई कर रहा हो फिर उसको कुछ रियलाइजेशन हो आया हो अपने लाइफ में, तो इस प्रकार के रियलाइजेशन अगर किसी के हैं, तो अगर नहीं है तो भी वेल एंड गुड, कुछ उसमें कमी नहीं है, बट दीज आर जनरल क्वेश्चन कि एक इनक्विजिटिव व्यक्ति होता है ना कोई, कि जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है अपने जीवन में हमेशा वो प्रश्न पूछता है क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ जाना है, क्या करना है। हाँ अगर कोई ऐसा है कि जो सेट है अपने लाइफ में, ठीक है चल रहा है सब चीजें चल रही हैं, क्या फायदा है इसको कर करके, कुछ सोच करके कुछ फायदा नहीं है, जो होना है वो होता रहेगा ना, तो वो बात अलग है। आज हम लोग देखेंगे जो आप सबसे पहली चीज इसमें बताई गई है इस श्लोक में कि हमें इन तीन चीजों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि काम काम का अर्थ यहाँ दिया गया लस्ट, क्रोध क्रोध तो सभी को पता है, क्रोध एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और काम क्रोध और लोभ ये तीन चीजों के ऊपर बताया गया। तो हम लोग स्टार्ट इसको थोड़े अलग तरीके से करेंगे, आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं बाहर, तो उन लोगों में कॉमन चीज क्या होता है, कभी आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे या बाहर कहीं भी जाएंगे तो आप जब उनको बोलेंगे आपके लिए भगवद गीता है, तो उन लोग क्या करेंगे आपको श्लोका रिसाइट करके सुनाना चालू कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बाहर ना कि जिनको पूरा का पूरा भगवद गीता के श्लोक याद है, अध्याय के साथ अध्याय का नाम भी बता उनको, श्लोक याद है उनको, तो बहुत अच्छे से एकदम वो हम लोग बोल सकते हैं तोते जैसे फटाफट पूरे श्लोक बता देंगे आप लोगों को। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, हम लोग बस पार्टी में गए थे तो हम लोग यूजुअली कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट में या फिर नगर पालिका हो गई डिस्ट्रिक्ट ना सम, ये सब जगह पे जहाँ पे अच्छे एडुकेटेड लोग हों, सो दैट दे कैन अप्रिशिएट द नॉलेज ना, मच मोर अप्रिशिएट, अप्रिशिएट सभी लोग करते हैं, इससे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। हम लोग वहाँ गए थे देने के लिए ग्रंथ, तो हम लोग कोर्ट रूम में गए, वहां पे बहुत सारे लोगों ने लिया, एक पर्टिकुलर ऐसे थे मतलब लॉयर बोल सकते हैं आप, जो हमारे साथ आकर के जबरदस्ती और लोगों को एनकरेज कर रहे थे और गीता दे रहे थे, वहीं उनके लाइक ये मेन के बिना जहाँ बड़े लोग बैठे उसी के आगे सामने टेबल लगा करके एक और वकील बैठा हुआ था, तो उसको हमारे एक भक्त गए गीता देने के लिए, लाइक आप देखिए गीता पढ़ी है, उन्होंने मुंह में क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, मुंह में पान भरा हुआ था, और वो मुंह ऐसे करके ताकि पान बाहर ना आए ऐसे करके 6-7 श्लोक सुना दिया उन्होंने। हमारे भक्त ने बोला कि अच्छा ये सब श्लोक आपको पता है, बोला हाँ हमको सब पता है, पूरा भगवद गीता है, पान खाते खाते बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बनना है ना, श्लोक सारे पता हो लेकिन भगवान इसमें क्या बोल, 4 बेसिक नियमों का पालन नहीं हो रहा उनसे ना, नो इंटॉक्सिकेशन वन ऑफ द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, पान खा रहे, पान में टबैको होता है, तो फायदा क्या है ऐसे ज्ञान का। तो श्रील प्रभुपाद के सामने स्टूडेंट्स को लाया गया था डैलस गुरुकुल में, छोटे छोटे गुरुकुल लेके आए वो टीचर्स उनको, और बच्चे बहुत सुंदर श्लोका रिसाइट कर रहे थे, बहुत सुंदर एकदम अच्छे से। श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि क्या इनको इसका मतलब पता है, श्लोका रिसाइट करना इसका मतलब पता है क्या उनको, ये प्रश्न किया श्रील प्रभुपाद ने। तो इससे क्या सीखने मिलता है कि हमको जो श्लोकास पता नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमको उसको अपने जीवन में उतारना भी है, थोड़े ही आप लेवल में उतारिए, प्रयास कीजिए, मुझसे भी नहीं उतरता क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, हमारे कंडीशनिंग के हिसाब से जिस प्रकार से हम जिस समाज में पले बड़े हैं उसका नींव ही ये तीन चीज है, काम क्रोध और लोभ, ये तो उसकी नींव है, नींव बनी हुई है और हम लोग उसी में पले बड़े हैं, तो डिफिकल्ट होता है। और आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद क्या है, आचार्य, आचार्य हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं,
इस बुक के ऑथर, अगर मैं आपको पूछूंगा इसका ऑथर कौन है, आप में से कोई बोलना चाहेगा इसका ऑथर कौन है? एनीवन, हाथ ऊपर करके बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं, कुछ ये नहीं है। मतलब हम लोग को या तो कुछ सीखने मिल गया तो सही है, तो अच्छी बात, कंफर्मेशन मिल जाएगा जो बोल रहे हैं वो सही है। एनीवन कैन ट्राई। यस ब्रो, founder and of the movement of Krishna consciousness, did they say following the principles of Chaitanya Mahaprabhu but one can say that you know it was spoken by Krishna, you know, narrated by Vyasadeva and written down by Lord Ganesh. So who is the actual author? Lord Ganesha? Lord Ganesha is author or writer? Okay, actual Ahriman Prabhu said right. He is like Srila Prabhupada, because Srila Prabhupada is giving these teachings in line with the parampara, na, to us as it is. You'll find many Gita outside. You won't have these commentaries. You know, the Gita outside there this much. या इतने साइज के भी मिलेंगे, फॉन्ट्स बड़े होंगे, मैक्स टू मैक्स आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा उसका, वो भी कभी कभार फ्लॉड होगा, राइट? ये सारी चीजें हैं उसके अंदर आप देखेंगे यदि तो आचार्य क्यों आ रहे हैं? आचार्य सबसे पहली बात हमको ये नॉलेज देने आ रहे हैं, टू गिव अस दिस नॉलेज एंड टू एस्टैब्लिश दिस नॉलेज। देना और एस्टैब्लिश करना, किसी चीज को बताना और किसी चीज की नींव रखना दो अलग चीज होती है ना। तो हमको सिखा रहे किस प्रकार से, अपने आचरण से सिखा रहे हैं। अब आचरण आप देखेंगे, श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, तो एक बार एक यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो बाहर के सो कॉल्ड मायावादी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्सप्लेन करा। मायावादी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यानी मायावादी संप्रदाय ही होता है, हमारा सो कॉल्ड साइंस भी मायावादी अप्रोच ही है, आप देखने जाएंगे यदि तो, राइट? तो वो बोलते हैं, उन्होंने ये तथ्य रखा था, ये तथ्य रखा कि क्योंकि ले सब कुछ किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है, राइट? मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स क्या है, इनविजिबल है, राइट? तो इसके लिए जो भी ये दृश्य जगत दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक ड्रीम है, दिस इज जस्ट अ ड्रीम, क्योंकि ले हम लोग देख नहीं सकते उसको, दिस जस्ट लाइक अ ड्रीम। तो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल ने कहा, ओके इफ एवरीथिंग इज अ ड्रीम एंड यू नो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, लेट मी टेक अप दैट चेयर which is made up of molecule and bang it on your head which is made up of molecule and it will be or everything will be dream, what's the point, nothing is real। So Srila Prabhupada ne train aisa kiya tha devotees ko, like not ki spontaneous argument, unhone jo bola usko wahi ka wahi repeat kar diya, right? That is the whole point। Ab आप लोग प्रश्न पूछ रहे होंगे, सबको लग रहा होगा यहाँ पे हम लोग काम क्रोध लोभ मोह की बात कर रहे हैं और ये हम लोग कुछ ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, ये मतलब क्या ही चल रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा ना कि हम लोग असल में अपने जीवन में ये सारी चीजें इतनी सटल हैं कि हमको पता भी नहीं चलता। आज जिस सोसाइटी में हम लोग ना, एक सोसाइटी में आप लोग हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, दैट इज लाइक इररिस्पेक्टिव, चाहे कॉलेज हो, कुछ हो, कुछ भी हो, उस सोसाइटी का बेसिस क्या है, उस सोसाइटी का बेसिस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या है? ऐसा, ओके। आप में से कोई वर्किंग है यहाँ पे, कोई काम करता है? अच्छा, यू वर्क, निहार प्रभु आल्सो वर्क, यू आल्सो वर्क। हाँ, तो समाज में ना मोस्ट ऑफ दी पीपल दे बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट? तो आप लोग देखेंगे शुरुआत ही इसकी ऐसे ही होती है कि राइट फ्रॉम वेन वन इज बॉर्न इज टोल्ड कि मतलब आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है ना, और तब जा करके आपको कुछ मिले। दिस इज लाइक ड्रिवन बाय काम, काम दिस इसको आप बोलेंगे ना, वी डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट, काम से। तो काम से मोटिवेट होता है, बचपन से हमको यही बताया जाता है, इसके लिए पढ़ता है व्यक्ति, फिर उसके बाद में उसको लगता है सेटिस्फैक्शन इज वेयर द जॉब। तो आप लोग वर्क कर रहे हैं, सो आई लास्ट जनरल क्वेश्चन, प्रो जी आप लोग ओवरऑल कितने घंटे वर्क करते हैं, हाउ मच आवर डू यू स्पेंड वर्किंग? 8 to 9 hours वर्क करते हैं, कम्यूटेशन आना जाना जो आपका वर्क प्लेस है, और 30 minutes
जाना 30 मिनट्स, आना 30 मिनट्स, राइट? तो 10 आवर्स तो बैठते हैं। आपका नहीं आता रूम? ओके, 8 आवर्स टाइम मींस, राइट? 8 आवर्स, yours are in 4 hours, okay, 4-5, that's good ना, अच्छा तो है, दिक्कत क्या है? लेकिन आप लोग बोलेंगे अच्छा है, एनी वन ऑफ यू, आप तीनों वर्क कर रहे हैं ना, तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तो बाहर के समाज के हिसाब से बहुत अच्छा है, काम करो, मिल गया काम, सो आप में से कोई सेटिस्फाइड है क्या तीनों में से? मैं मुंडे हिला रहा इसलिए मत हिलाओ, जेन्युइनली जेन्युइनली से आर्यमान प्रो सेड नो, निहार प्रो सेड नो, व्हाट अबाउट यू? यू आल्सो नॉट हैप्पी, बट सोसाइटी का डेफिनेशन तो यही है ना, दैट यू मस्ट बिकम हैप्पी, दैट इज, वैसे तो प्रीच किया गया आपको कि आप खुश होंगे, ये करेंगे, और इससे रिजल्ट क्या करता है? देयर इज समथिंग नोन एज मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स होता है। अब लोग बोलेंगे नहीं इसमें तो स्ट्रेस रिजल्ट करता है या कुछ रिजल्ट करता है, स्ट्रेस होता है ज्यादा से ज्यादा, स्ट्रेस इज नॉट अ मेंटल प्रॉब्लम, राइट? बट इफ यू लुक एट इट, स्ट्रेस इज मेंटल एंड इट्स अ प्रॉब्लम, ब्रेक द टू वर्ड्स, मेंटल प्रॉब्लम के लिस्ट में नहीं आता वो, बट इट जस्टिफाइज, मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्या कर रहा हूँ लाइफ में मैं, यही करना है क्या मुझको, नहीं मुझको कुछ और करना है, सो व्हाट डज वन डू देन, यू नो, कि अब ये चीज तो हो गया, और फिर what he does, he does something known as job hopping. Job hopping pata hai aapko, one place to another, one place to another, one place to another, yani yahan satisfaction nahi mil raha, abhi paise milenge to paisa aayega, so paise se kya hoga, kaam satisfy hoga, aap dekhenge cities mein itni cars chal rahi hain, isliye chal raha hai, janwar hota hai, let's say, to aap dekhenge bahut sare shahar mein to nahi dekhenge, jo cheetiyan aati hai na, चींटियां घर बनाती है अपना, बहुत सुंदर घर होता है उनका, एंट हिल, आप वीडियोस देख सकते हैं ऑनलाइन, उन लोग क्या करते हैं, लिक्विड मेटल पोर करते हैं उसके अंदर, और जब वो स्ट्रक्चर पे से उसको हटाया जाता है ना, तो उनके जो रूम्स के कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो हमारे बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो जाएंगे बनाने में, आप देख सकते हैं ऑनलाइन किस प्रकार से चींटी, छोटी सी चींटी, इतना सुंदर, इतना हो सकता है ना, सो कॉल्ड डिटेल्ड, या फिर हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रक्चर्ड, एक व्हाट वी कैन कॉल यू नो, एक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करता है ऑन द ग्राउंड विदाउट एनी मटेरियल स्टडी या क्वालिफिकेशन, राइट? उसको आप बोल सकते हैं मटेरियल नॉलेज, मेटलर्जी ना, या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने का, स्ट्रेस कितना आ रहा है, वेल्डिंग स्ट्रेस कितना होगा इसका, टॉर्क क्या लगे, ये वो दुनिया भर की कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, नेचुरल है, राइट? तो वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो हमारे लाइफ में अगर आप देखेंगे, ह्यूमन लाइफ में या फिर किसी भी लाइफ में, टू जस्ट सस्टेन, नाउ फोर थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट, फोर थिंग्स आर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, राइट? तो ईटिंग में आप देखेंगे हर एक जन खाई रहे हैं, स्लीपिंग में आप देखेंगे सब सो रहे हैं, आप देखेंगे हम ज्यादा दूर नहीं जाना है, ये जू का एरिया है, आप लोग यहाँ नजदीकी बस स्टॉप पे जाइए, करोड़ों रुपए के घर है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखेंगे लोकैलिटी में कोई आपको हजारों में रेंट भी नहीं, अगर सिंगल बोलते हैं ना, जैसे 9,000-10,000 में रेंट वाले रूम नहीं मिलेंगे, अच्छे अच्छे एटलीस्ट 20,000-30,000 रेंट है आपका, और करोड़ों में यू हैव स्पेसेस हियर अवेलेबल, लेकिन हम बस स्टॉप के पास ही जाएंगे तो बस स्टॉप की वॉल के पास में ना कुछ लोग रहते हैं ईट और प्लास्टिक लगा करके, तो आपको क्या लगता है जब वो लोग सोते हैं, स्लीपिंग की बात करें, जो जो सुख उनको मिलता है सोने में, जो करोड़ रुपए के घर में कोई व्यक्ति सो रहा है, अलग होता है क्या? सुख तो दोनों का सेम है ना, कोई नहीं बोल सकता कि सुख अलग है, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग भी हो ही रहा है, लोग कर रहे हैं, उनको चाहे रोड साइड पे कुत्ता करे या फिर कोई बंदे कमरे में करे, चीज वही है, और फिर उसके अंदर डिफेंडिंग होता है, अब डिफेंडिंग मतलब ये नहीं बोल सकते ना, फाइटिंग, एक फाइटिंग होता है, तो फाइटिंग आवश्यक नहीं है सब कोई करे, लेकिन अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे, जो मनुष्य जीवन है ना, आप देखेंगे पशुओं के जीवन का आधार क्या है, उनके जीवन का आधार आप देखेंगे ये चार चीजें संपन्न हो रहा, वो खुश है उसमें,
अभी वो भी अपने लिए सारे घर बना रहे हैं, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में रह करके अपने लिए बड़े बड़े बंगले बांध रहे हैं, कॉन्डोमिनियंस बना रहे हैं ना, बड़े बड़े अच्छे खासे ये कर रहे हैं। तो हमारा भी आजकल का सोसाइटल डेफिनेशन क्या हो गया है, मैन इज नॉट यू नो जस्ट अ सोफेस्टिकेटेड एनिमल, ये समझना है हमको। ये हमारे लाइफ में सिर्फ यही चीज नहीं कि इसको बहुत बड़े स्तर पे करें हम लोग, दिस इज नॉट व्हाट ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर। तो हितोपदेश में ये श्लोक है, ये बहुत फेमस श्लोक है, आप लोग भी जानते होंगे, इसको बहुत कोट किया जाता है बहुत सारे लेक्चर में। तो इट गोज लाइक दिस, आहार निद्रा भय मैथुनानि सम्मान यम एतत् पशुभिः नराणाम् ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। तो इसमें ज्ञान शब्द जो है इसको धर्म से भी रिप्लेस किया जाता है कभी कभी मोस्टली, क्योंकि बात वही है, धर्म और ज्ञान दोनों एक ही पॉइंट पे लीड करते हैं। तो इंसान के लाइफ का ये गोल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोग, क्या होता है आप में से, आपने भी देखा होगा लोगों को 12 12 घंटा 14 14 घंटा काम कर रहे हैं, और जब काम करके आते हैं तो उनको यही तीन चीजें मिलती हैं, ईटिंग थोड़ा बहुत खा लेंगे, नींद ले लेंगे, और मीटिंग, बस ये तीन चीज। डिफेंस का क्या ही बताओ उनको, कुछ नहीं हो रहा है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड हो रहा है, लेकिन ये तीन चीज उनको मिल रही है। लेकिन हमको क्या समझना है अपने लाइफ में, कि जो नेसेसिटी नाम की चीज होती है ना, मनुष्य जीवन हमको मिला है, इस श्लोक में हमने देखा, इसको एक लिमिट में हमको क्या करना है, लिमिटेड रखना है, जो बेसिक नेसेसिटी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, कि हम लोग एक हफ्ता पूरा इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या सोचते हैं कि ओके नाउ फ्राइडे हैज कम, यू नो लेट अस, टाइम फॉर अस टू बिकम हैप्पी, वीकेंड, वीकेंड पे क्या करेंगे, दे विल गो टू पार्टी, बट पार्टी में जाने के बाद मोटिव रहता है कि खुश रहना हमको। आप में से कोई गया है पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉर्पोरेट में ऑर्गेनाइज किया होगा ना, जबरदस्ती जाना पड़ता है वहां, तो बाकी पैसे दे करके भी बहुत लोग गए होंगे, शर्मा रहे होंगे बताने के लिए, लेकिन तो नॉट स्ट्रेस, बट वहां लोग सोचते हैं विल बी हैप्पी, बट आर वी एक्चुअली हैप्पी, नो वी आर नॉट, कोई भी नहीं है, कोई भी हैप्पी नहीं है। और फिर आने क्यों नहीं हैप्पी है, क्योंकि लोग उनको पता है वापस से नेक्स्ट डे सेम थिंग, संडे के बाद मंडे आ जाएगा, सेम साइकिल, सेम लूप विल स्टार्ट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वेर वी आर गोइंग, राइट। तो इसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, इन चीजों में फंसा रहता है। लेकिन आप देखेंगे इतने सारे आचार्य हैं, इतने सारे आचार्य आ करके हमको क्या मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ कि हमको इन सारी चीजों से निकलना है, उनका लाइफ पूरा इसी पे बेस्ड है। और यहां तक सिर्फ यही नहीं है, आप लोग देखेंगे कि एक और श्लोक है जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी इससे पहले, कि जो भी व्यक्ति, ये शरीर क्या है, एक बैग की तरह है, और इस बैग के अंदर बहुत सारी अनर्थ की चीजें हैं। अब वो किस प्रकार से आप बोल सकते कि वो व्यक्ति के पास में मतलब नॉलेज है या नहीं, या फिर वो किस प्रकार का उसका स्वभाव है, तो जो व्यक्ति बोला जाता है कि तीर्थ स्थान पे आता है, और वो सोचता है तीर्थ स्थान का रिजल्ट क्या है, या फिर उसका सबसे मेन गोल क्या है, कि वहां पे स्नान करके आओ, वही सबसे मेन चीज है बस, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तीर्थ स्थल होते हैं साधुओं का संग करने के लिए। तो उसको किस प्रकार से बताया गया, गो खरह, गाय और गधे जैसा बोला गया उसको, इस प्रकार से बोला गया। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मात्र इंद्रिय भोग करना है बस, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे इसमें बहुत एक सुंदर शब्द आया हुआ है, यहाँ पे कहा जाता है त्यजेत ना, त्यजेत, इस श्लोक के अंत का सबसे लास्ट का शब्द है त्यजेत। तो त्याग और वैराग्य दो अलग अलग चीज है, आप में से कोई बताना चाहेगा त्याग का अर्थ क्या और वैराग्य का क्या अर्थ, दोनों सिमिलर लगता है, त्याग और वैराग्य, यदि कोई सोचना चाहेगा तो। एनीवन, सो निहाल रोय इज सेइंग दैट त्याग मींस सैक्रिफाइस एंड वैराग्य मींस डिटैचमेंट, दैट्स करेक्ट। So these are two important aspects.
कि जो कि हमको फॉलो करना। अब इससे आप देखेंगे द सेम थिंग जो मैंने गोखरा वाला बोला है आप लोगों को, दिस इज एक्चुअली प्रीस्ट। आप लोगों में से कभी कोई कुरुक्षेत्र जाएगा तो रेलवे स्टेशन पे ही क्या हुआ है, रेलवे स्टेशन पे दो फोटोज हैं। एक फोटो में है कि भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एंड दूसरा फोटो है कि जब भगवान स्वयं आते हैं और साधुओं को मैसेज दे रहे हैं, मतलब एड्रेस कर रहे हैं। वो सोलर एक्लिप्स के टाइम पे होता है, सूर्य ग्रहण के टाइम, क्योंकि वहां पे 5 कुंड हैं जो परशुराम जी ने बनाए हुए हैं, और बोला जाता है कि उसमें जाके स्नान करना चाहिए। तो भगवान उस समय पे वो उपदेश देते हैं कि जो मतलब मात्र ये सोच करके आता है कि तीर्थों का मात्र कार्य क्या है कि आना है, स्नान करना है इसमें से और चले आना है। जो व्यक्ति इस मानसिकता से आता है वो क्या है, गाय और गधे जैसा होता है। उसको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जानने का अधिक से अधिक। और आप देखेंगे हमारे पास भी यही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए सोचते होंगे क्या करेंगे हम लोग, बाहर जाएंगे, लेट अस गो टू अनदर कंट्री। अब इसमें भी देखेंगे जो ये पर्टिकुलर चीज है, बहुत सारे हमारे शास्त्रों वेदों में उपनिषदों में ये बताया गया है कि जो तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तीन चीजें हैं प्रैक्टिकली। एक जो होता है व्यक्ति गोखर, और भी बताया जाता है दो और इसमें टाइप है, जैसे एक तो जो तीर्थ स्थान को समझता है सिर्फ स्नान करने के लिए, एक जो इस देहात्म बुद्धि को भी मैं समझता है, और एक है जो व्यक्ति सोचता है कि जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है वो बहुत पूजनीय है ना, ऐसा है। तो आप में से बहुत लोगों को अगर समझिए मैं कहीं एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, पहले तो लोग राष्ट्र से आसक्त रहते थे, अब लोग उसमें भी थोड़ा माइक्रो बन गए, अब अपने अपने राज्य से आसक्त रहते हैं, ये मेरा पैदा होने का स्थान है, ये दूसरे के पैदा होने का स्थान है, और उसमें भी फिर देखेंगे अच्छा ठीक है इसमें भी तुम कहाँ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, डिस्ट्रिक्ट से भी देखेंगे किस गांव से हो, किस गांव से होने के बाद अच्छा किस स्कूल में पढ़े, ठीक है किस स्कूल में पढ़े, अच्छा तुम्हारे घर का नाम क्या है, अच्छा मेरे दादाजी की और तुम्हारे दादाजी की जमती थी कि नहीं जमती थी, कोई तो था कि नहीं, तो इतना डीप लेवल पे जाता है ना, मतलब जो सो कॉल्ड हमारा अटैचमेंट होता है, व्यक्ति इतने डीप लेवल पे गिरता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अभी समझिए मैं कहीं से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको वहाँ का डेफिनेशन देने लगा कि हाँ वहाँ पे तो झाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत हरियाली है, वहाँ पे तो नदियाँ बहुत सुंदर हैं, आप वहाँ पे जाएंगे पेड़ ही पेड़ है, आराम से बैठ सकते, आप में से कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा उसमें, वी डोंट वॉन्ट टू हियर अबाउट दैट, राइट। समवन इज प्लानिंग टू गो समवेयर, आप में से कोई प्रयास कर रहा है कि हमें जाना है, अभी समझिए बाय डिफॉल्ट किसी को यहाँ से जाना है किसी कंट्री में, लेट्स से इंग्लैंड में जाना है, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन देने लगे, इंग्लैंड में ना बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लोग एकदम शांत रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, हर एक फैसिलिटी है वहाँ पे, तो लोग सुन के और सुनने में रुचि लेंगे उसको, क्यों, क्योंकि उनकी आसक्ति, लेकिन दूसरी चीज में उसकी आसक्ति नहीं है किसी और जगह का वर्णन सुनने में। लेकिन आप देखेंगे यदि तो जो बॉर्डर होता है ना, कभी भी बॉर्डर में कुछ डिफरेंस नहीं होता है। हमारे हमारा टेम्पल है भक्ति वेदांत मैनर, तो वहां पे जो गाय होती है ना, तो गाय का फेंसिंग किया होता है। आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे कॉमन चीज है, सिर्फ वहीं का नहीं है कि उधर ही का स्पेशलिटी है, तो गायों को एक फेंसिंग एरिया में रखा जाता है ना? तो गाय कभी कभार क्या करती है पता है, सेम घास है, फेंसिंग के बाहर भी सेम घास है, फेंसिंग के अंदर भी सेम घास है, तो पहले अंदर का घास चल लेगी, फिर थक जाएगी, फिर उसके बाद क्या करेगी ना, वो फेंस के पास आएगी, वो फेंस के पास आके जबरदस्ती मुंह बाहर डाल करके बाहर का घास खाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसको क्या लग रहा है जो अंदर का घास है वो नॉर्मल है, बाहर का घास थोड़ा और अच्छा होगा, उसका सोच ये होता है। हमारा भी सोच वही है, हम सोच रहे हैं हम लोग यहाँ पड़े हुए ना, अरे यहाँ से थोड़ा बाहर, बाहर मतलब सिर्फ यही नहीं होता, गाँव की भी मानसिकता यही है ना, जो व्यक्ति गाँव में रह रहा है वो सोचता है शहरों में बहुत अच्छा जीवन है, ऐसा जीवन हमको क्या हमको चाहिए, अगर ऐसा जीवन मिल जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा, बिना इस जीवन के क्या है मजा नहीं है, क्यों, क्योंकि लिए धन नहीं है, अर्थ नहीं है, सबसे बड़ी चीज तो वही है ना भूख की, अगर वो नहीं होगा तो क्या ही कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो इसमें आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई जा रही है कि व्यक्ति को ये सारी चीजें
जब नहीं संपन्न होती, किसी का अगर समझिए लस्ट है ना, लस्ट है किसी व्यक्ति का और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा। अब गुस्सा देखिए, ऐसा ही नहीं है कि गुस्से में व्यक्ति टेबल पीटेगा, आदमी को पीटेगा, ऐसा नहीं होता। इंटरनल एंगर नाम की भी कोई चीज होती है ना? और लेट से अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ग्रीड ग्रीड बढ़ जाता है। अब बहुत सारे लोग आप देखेंगे समाज में कि आते हैं, बहुत अच्छे धनी है, संपन्न है, तो बताया गया ना यहाँ पे कि जो धनी व्यक्ति होता है ना, तो धनी व्यक्ति को धर्म ये सारी चीजें ना थोड़ा दिमाग में पल्ले नहीं पड़ती। वो दान करेगा लेकिन उसका मोटिव क्या होगा पता आपको? दान करने का, मुझको और मिलेगा इससे, मैं ये इतने करूंगा या ये प्रोसेस फॉलो करूंगा तो और मिलेगा। इंटेलिजेंस नहीं होता उसको, आप जाके बोल दो कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान का नाम लीजिए, जप कीजिए, वो दिमाग में नहीं आएगा। अभी जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स तो अभी बूढ़ा हो रहा है ना, बिल गेट्स के पास अगर कोई जा करके बोलेगा कि आपका मनुष्य जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, काम करो, आप जप करो भगवान के नाम का, नहीं समझ आएगा उसको। उसके पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको समझना। ये शास्त्रों का कथन है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैंने देखा है मेरे साथ किसी अमीर आदमी ने कुछ दुर्व्यवहार कर दिया तो मैं उसको कैटेगराइज कर रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके लिए आप देखेंगे भगवान के जो भक्त होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। टंटन गोपाल बोला जाता है, वो यही होता है, दैट इज देयर लाइफ एंड सोल, दैट डिपेंड। लेकिन इसमें यह समझ लेना आपको, ऐसा नहीं कि उनके पास है नहीं, एक होता है नहीं होना और एक होता है न चाहना, चाहनी होती है उनको। बहुत सारे आप देखेंगे लोग फ्रस्ट्रेट होकर क्या आते हैं ना, चार भगवान बताते हैं कौन कौन से चार प्रकार के लोग हैं, चतुर्विधास भजन्ते माम, कोई कोई फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, यार कुछ हो नहीं रहा जीवन में, चलो यहीं चले जाते हैं। बहुत सुंदर क्लासेस होती हैं ना, एक कोई आता है स्पीकर, थोड़ा जोक्स होता है, मस्ती मजाक होता है, डांसिंग कीर्तन होता है, प्रसाद होता है, हैप्पी लाइफ, इसीलिए आ जाते हैं हम लोग थोड़ा। लेकिन आप देखेंगे निजी जीवन में क्या करेंगे, फिर बाहर जाके उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। हम लोग आ रहे हैं बट उसका फर्क क्या पड़ रहा है? जस्ट लाइक एनी अदर गैदरिंग, के लिए बाहर का गैदरिंग थोड़ा अलग होता है लेकिन यहाँ का गैदरिंग थोड़ा सिंपल है, कुछ श्रवण करने को मिल रहा है हमको, कुछ सीखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, हम लोग कर क्या रहे हैं? लॉर्ड ऋषभदेव की टीचिंग्स हैं श्रीमद् भागवतम में, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं उसके अंदर। बताते हैं कि ये सेम, ये तो उपदेश का ही श्लोका कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद, उसमें आता है कि हमें इस जीवन के साथ करना क्या चाहिए। अब देखेंगे इसमें फिर, अब हम लोगों ने ये डिसीजन ले लिया है तो ये डिसीजन मतलब इम्पैक्ट कैसे कर रहा है ना? चलो हम लोग कर लिए, एक्सट्रीम लेवल पे कर लिया हमने कोई भी चीज, जानवर जानवरों जैसा जीवन जी ही रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत? दिक्कत क्या उसके अंदर? तो कोई भी बोल सकता है कि दिक्कत तो कुछ नहीं ना, जी रहे हैं हम लोग, अच्छा बंगला है, घर है, गाड़ी है, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि दिस इज व्हाट इज लीडिंग अस टू हेल। जो हम लोग उसके पीछे ओवर एंडेवर करने लगते हैं ना, इन सारी चीजों के ऊपर, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सारी फैसिलिटीज के पीछे ओवर एंड ओवर अननेसेसरी लोग उसको बढ़ाने लगते हैं, जब इसी के पीछे रहते हैं तो हमारी आसक्ति बढ़ाता है सबसे पहली चीज ना। एक होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज की आवश्यकता होती है ना, तो आवश्यक जो है उतना करना चाहिए लेकिन आसक्त तो होने लायक कुछ करना नहीं चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी करते हैं ना उस चीज से आसक्त हो जाते हैं, दैट इज आर बोल सकते हैं ना एक माइनस पॉइंट है हमारे लिए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा उसको नरक मिलेगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन आप में से किसी ने देखा नरक, हेल देखा है किसी ने? हेल किसी ने भी, अगर मैं बोलूँ आप लोग देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जूझ रहे हो आप लोग उससे, सफरिंग, ये सब जो हम लोग ने एक्सपेक्टेशन बना रखी है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, सटल लेवल पे, सटल लेवल पे हम लोग उसकी ही आग में क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, यार बर्निंग इन दैट सेम थिंग। और मेंटल माइंड के लेवल में भी यार सफरिंग इन द हेल ओनली, हम लोग उस हेल में ही हैं,
ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ऐसा मत सोचिए कि अलग से कढ़ाई लगाई जाएगी, यातना देह मिलेगा, वो तो शास्त्रों में दिया गया कि किस प्रकार से मिलेगा। यातना देह दिया जाता है जो कि मरता नहीं है, कुछ होगा नहीं, जैसे खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जलेंगे तो काला हो जाएगा, चमड़ी फूल जाएगी, पानी बन जाएगा, या चमड़ी एक्सट्रीम अगर कुछ गर्म होगा तो सिर्फ हड्डी बचेगी, चमड़ी निकल जाएगी ना। वो यातना देह ऐसा होता है ना कि उसको कुछ होगा नहीं, बस जो पीड़ा होती है ना उस प्रोसेस से, वो पीड़ा आपको आभास हो, शरीर को कुछ नहीं होगा, आपको पेन मिलता रहेगा, वो त्रिशूल से मारा जाएगा। आप जैसे ऊपर आने का प्रयास करेंगे, खोलते हुए तेल में डाला हुआ है कुंभी पाक में, आप ऊपर आने का प्रयास करेंगे, आपके छाती पे क्या करेंगे, दे कीप द त्रिशूल, और फिर अंदर ढकेला जाएगा आपको। बैटरी लो। सो दैट इज द होल पॉइंट, यातना देह मिलेगा लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं है ना। आवश्यकता क्यों है, हम लोग यहाँ पे यहाँ वहां भाग रहे हैं, अननेसेसरी तकलीफ दे रहे हैं शरीर को ना, काम कर रहे हैं, काम करने के बाद में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस यू नो वी गो टू फिजियोथेरेपिस्ट, इतने सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हार्ड एंड मनी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और अगर स्पेंड नहीं कर रहे हैं, शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, इफ यू आर बिकमिंग माइजर, कंजूस बोलते हैं ना हम लोग, कंजूस बने रहना, तो धीरे धीरे वो बीमारी बड़े लेवल पे चली जाएगी, और एक ही बार ऐसी बीमारी आएगी जीवन का पूरा सैलरी निकल जाएगा उसमें। तो वी ऑल आर लिविंग इन दैट लाइफ। बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे केसेस आप देखेंगे हॉस्पिटल में कि लोग अच्छे खासे हो गए ना, दे आर रिकवर्ड, थोड़ा अच्छा रिकवरी हो गया, बट जैसे बिल आता है ना, अटैक से मर जाते हैं लोग, ऑन दैट टेंशन कि आएगा कहाँ से, हाउ विल इट कम। कितने सारे लोगों का ट्रीटमेंट हाफ वे में रोक दिया जाता है, लैक ऑफ फंड्स, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज तो व्यक्ति सोचता है। तो हम लोग इस हेल में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों को तो आभास भी नहीं है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हेल मतलब यही डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हेल ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। हेल है कि हम लोग अपना ओरिजिनल पोजिशन भूल रहे हैं, कि हमारा हमको जो मनुष्य धर्म दिया गया है ये किस प्रकार से एडवांस है। एडवांस सिर्फ इसी मैनर में नहीं है कि हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे से हम लोग किसी एक सॉफ्ट गद्दे पे सो रहे हैं, और किसी एक मतलब सुंदर स्त्री के साथ या सुंदर पुरुष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एडवांसमेंट नहीं है। एडवांसमेंट क्या है कि हमको एक एडवांस्ड चेतना मिली हुई है, यू गॉट यू नो एडवांस्ड कॉन्शियसनेस, जिससे हम लोग इंक्वायर कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस कि वेयर आर वी लीडिंग टू, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी कैन क्वेश्चन, और जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। वर्क करना भी डिफिकल्ट नहीं, आपके पास गाइडेंस है, शिव प्रभुपाद की बुक्स है, यू हैव डिवोटीज टू इंटरैक्ट विद, दैट वाज द होल थिंग। सो नाउ वी विल एंड द सेशन, वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज कंटिन्यूअस क्लास दे दे के मैं भी थक गया हूँ, और भी क्लासेस देने हैं। Then tomorrow festival we have to get things approved. चलो प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस है, आप लोग आइए, दीपदान चल रहा है, मॉर्निंग से प्रोग्राम है, उसके बाद फीस्ट भी होगा। सो एवरी वन हुज अटेंडिंग इवन ऑनलाइन, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक आउट टाइम एंड कम एंड अटेंड दिस फेस्टिवल, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे। चलो प्रभुपाद विल बी सिंगिंग मंगल आरती टुमारो, चलो प्रभुपाद विल बी गिविंग क्लास, इज होल पॉइंट। श्रील प्रभुपाद को भोग ऑफरिंग होगा, लेट्स से इफ यू ऑल कम, यू ऑल कैन एक्ट एज वॉलंटियर्स। सौरभ सौरभ प्रभु हैज रेज्ड अ हैंड, बट इट्स बेटर प्रभु दैट यू राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज द स्पीकर इज लैपटॉप स्पीकर इज नॉट दैट गुड, यू नो डजंट हैव नाइस वॉइस, सो इफ यू टाइप योर क्वेश्चन देन यू नो वी कैन यू नो सी व्हाटएवर इज द प्रभु जी व्यवसाय।